दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच टीम इंडिया ने जीत लिया 6 विकेट के बड़े अंतर से। दोस्तों वहीं टीम इंडिया ने पहला टी20 मैच हार गई थी 21 रनों से। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के पूरे मैच का हाईलाइट, प्लीज वीडियो बने रहे अंत तक देखें। उससे पहले आप बताएं हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच हारने के बाद टीम इंडिया करो या मरो के मुकाबले हैं दूसरा टी20 मैच, वही आखिरी तीसरा टी20 मैच। दोस्तों टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मैच तो जीत लिया है आज 6 विकेट के बड़े अंतरों से। अब टीम इंडिया जीतना चाहेगी तीसरा और आखिरी टी20 मैच जो अहमदाबाद में खेला जाएगा 1 फरवरी को, और टीम इंडिया हर हार में जीतना चाहिए क्योंकि टीम इंडिया अगर मैच हारती है तो सीरीज भी गवा देगी, अगर जीतती है सीरीज अपने नाम कर लेगी। दोस्तों वहीं दोनों टीमें करो या मरो के मुकाबले में कड़ी की टक्कर होने वाली है क्योंकि टीम इंडिया अगर हारती है तो सीरीज हारेगी, अगर न्यूजीलैंड हारती है तो न्यूजीलैंड सीरीज हारेगी। दोस्तों टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मैच 6 विकेट के बड़े अंतरों से जीत लिया। दोस्तों हम आपको बता दें दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया गेंदबाजों को दबदबा रहा, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजों को दबदबा रहा। दोस्तों हम आपको बता दें न्यूजीलैंड टीम मात्र 99 रन नहीं बना पाई 20 ओवरों में 8 विकेट नुकसान पर, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बना पाए तो हैं सेंटनर 19 रन और नहीं बच्चे 14 और मिचेल ब्रेसल ने 14 रन की पारी खेली और कॉनवे फिलैंडी ने 11 रन की पारी खेली। दोस्तों न्यूजीलैंड टीम ने 8 विकेट नुकसान पर 20 ओवरों में 99 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को 100 रन का लक्ष्य दिया। दोस्तों ये रन लक्ष्य था ज़्यादा नहीं था, पर दोस्तों देख के लग रहा था कि ये 100 रन तो टीम इंडिया 10 ओवरों में बना लेगी, पर दोस्तों खेल अनिश्चितताओं खेल है। न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों ने भी घातक गेंदबाजी की, टीम इंडिया 50 रन पर 3 विकेट डाल लिए थे जिसमें शुभम गिल 11, ईशान किशन 19, राहुल त्रिपाठी 13 रन बना के आउट हो गए थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव वाशिंगटन सुंदर खेले थे, सूर्य कुमार यादव वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी होम में आते हुए टीम इंडिया को अच्छी स्थिति पहुंचा दिया, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की जोड़ी यहीं पर टिकी रही। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया जीत के लिए बहुत कम रन चाहिए थे, उन्होंने टी20 को टेस्ट बनाते हुए खेला और टीम इंडिया को जीत के लिए लेगा क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने 26 और हार्दिक पांड्या ने 15 रन की पारी खेली। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को जिता दिया, टीम इंडिया दूसरा टी20 मैच जीत तीसरे टी20 मैच तैयारी करने लगी है। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो, टीम इंडिया तीसरे टी20 मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।